हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ दोस्तों। आज आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देखा होगा तो आपको पता ही हो गया होगा कि आज हमारा किस टॉपिक पे ये वीडियो होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुकेश रावल जी के बारे में। दोस्तों इनका जन्म मुंबई में हुआ था और इनका पुश्तैनी घर जो है गुजरात के अहमदाबाद से लगभग 140 किलोमीटर दूर एक गाँव है जिसका नाम है बड़ौली। जी हाँ दोस्तों, बड़ौली वही गांव है जहां पर मुकेश रावल जी के पैतृक यानी पिताजी पूर्वज रहते थे उस गांव में। दोस्तों मुकेश रावल जी के बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों मुकेश रावल जी जो है रामानंद सागर की रामायण जो थी उसमें एक अलग ही कलाकार का रोल निभाया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने संपूर्ण रामायण में जो है विभीषण का जो है रोल निभाया हुआ है। इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, जब कोई बात पड़ती है तो पुराने लोग यही बोलते हैं, घर का भेदी लंका धाय। तो ये जो है विभीषण थे तो इनकी वजह से जो है रावण का वध हो पाया था, क्योंकि इन्होंने जो है राम जी को बताया था कि रावण की नाभि में जो है जब तक आप तीर नहीं मारोगे तब तक वो नहीं मरेगा। तो इस वजह से लंका का ये सब हुआ, रामायण में आप लोगों ने देखा होगा। तो उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। उनका जन्म मुंबई में हुआ था और उनके पैतृक जो पूर्वज थे वो रहते थे गुजरात। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को हमने लिया था अपने जो भाई हैं विकास कुमार विकेआर नाम से उनका यूट्यूब चैनल है, उन्होंने भाई ने दिया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद विकास भाई, आपने हमें ये वीडियो दिया, क्योंकि मैं वहाँ पर गया नहीं था। मैंने सोचा अपने ऑडियंस को दिखा देते हैं कहाँ पर जो है इनका घर है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक देखें तभी आपको मजा आएगा। हाँ, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी के साथ साथ हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अभी देखो मेरे घर की छत पड़ने वाली है, आज ही तो है ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मुझे, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो भी देना होता है। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं आगे गेट की तरफ, और गेट की तरफ चल रहे हैं, एंट्री करेंगे अंदर और बातचीत भी कुछ होगी वहाँ पर जो भैया लोग होंगे वहाँ पर। और अब देख ही पा रहे हो काफ़ी बड़ा घर बना हुआ है इनका, इतना बड़ा यार घर गांवों में ही देखने को मिलता है, अक्सर शहरों में नहीं देखने को मिलता है। आप देख सकते हो वहां से हम लोग आ रहे हैं, कितना बड़ा ये घर बना हुआ है। अभी भी हमको एंट्री गेट नहीं मिला हुआ है, चलेंगे अंदर भी। और यहाँ पर ये शायद है एंट्री गेट, अभी हम चलते हैं इधर से। ये आप देख सकते हो एक दरवाज़ा यहाँ पर है, वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा उनका घर बना हुआ है। आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा घर बना हुआ है, इतना बड़ा घर तो मैंने पहली बार देखा, और दो मंजिल का बना हुआ है आप देख सकते हो। तो ये हैं गांव की कुछ गलियाँ, ऐसी गलियाँ हैं भाई साहब। इधर भी एक गली है, ये रहा घर, और अब हम चलेंगे अंदर की साइड। तो दोस्तों यहाँ से करेंगे हम एंट्री घर के अंदर। तो फाइनली हम जा रहे हैं अंदर इस घर से। इन भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इनकी वजह से हम घर के अंदर प्रवेश कर पा रहे हैं। तो दोस्तों यही है उनका घर, मुकेश रावल जी का घर आप देख सकते हो। और इधर आप देख सकते हो, और यहीं इसी घर में रहा करते थे वो। और दोस्तों एक दुखद घटना हो गई थी, क्योंकि मुकेश रावल जी जो थे यानी कि जो रामायण के विभीषण थे, उनका ट्रेन एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। तो यही है, ऊपर से आप देख सकते हो यही है वो घर। तो दोस्तों ये आप बिल्डिंग देख पा रहे हो, इसी के जस्ट पीछे है वो मुकेश रावल सर का घर, और ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है। और अभी हम चल रहे हैं गाँव के अंदर, यही है भाई बड़ौली गांव आप देख सकते हो। और अंदर चलेंगे इन गलियों से होते हुए, सामने आप देख पा रहे हो अंकल जी ने ये वाला बताया था जो दो मंजिला घर बना हुआ है, दो मंजिल का, इसी घर को बताया मुकेश रावल जी का घर। तो अभी हम चल रहे हैं उस जगह पे, और ये रहा उनका घर जो कि उनका पुराना घर है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो गाँव है ये पूरा ब्राह्मण बस्ती है, पूरा ब्राह्मण इस गांव में रहते हैं। और देख सकते हो ये दो मंजिला, और फ्रंट साइड में हम जाकर भी देखेंगे वहां पर कि आगे से एक कैसा है घर। और ये पूरा घर आप देख सकते हो, पूरा गांव देख सकते हो, जो कि
पुराने पुराने घर यहाँ पे बने हुए हैं जो कि आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे पुराने घर। तो अभी हम चलेंगे आगे की साइड और आगे से आपको दिखाएंगे उनका घर। और इधर भी एक गेट है यहाँ पर। अब हम चल रहे हैं आगे मेन गेट की तरफ और एंट्री करेंगे, और इसमें कुछ लोग रहते भी हैं और उनसे भी बातचीत हो पाएगी तो करेंगे, क्योंकि इसमें फीमेल रहते हैं। और अभी हम जा रहे हैं फ्रंट साइड, और ये दोस्तों देख सकते हो काफ़ी पुराना घर हो चुका है, जिसे प्लास्टर वगैरह टूट गया है। और देख सकते हो ऊपर पुरानी पुरानी खिड़कियाँ, पुराना स्ट्रक्चर है पूरा पुराना। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने सारा घर दिखा दिया आपको। अभी इसमें कुछ लोग रहते भी हैं, और दोस्तों यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने बताया कि इस घर में एक बार हमारे महात्मा गांधी जी भी आ चुके हैं। ऐसा बताया है भैया ने कि जो है यहाँ पे महात्मा गांधी जी भी आ चुके हैं। और देख सकते हो काफ़ी प्यारा घर बना हुआ है, काफ़ी पुराना भी हो चुका है, पुराना स्ट्रक्चर है। इसी में हमारे रामानंद सागर के विभीषण यानी कि मुकेश रावल जी ने इसी में रहे हुए हैं, और यही है उनका घर। देख सकते हो पूरा मैंने आपको दिखा दिया। अब आपको करना क्या है, बस करना बस ये है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और देख सकते हो ये घर, और जिस तरीके से बना हुआ है, पुराने स्ट्रक्चर से बना हुआ है, इसमें एक उधर दरवाज़ा है, एक इधर दरवाज़ा है, आप लोगों को देख ही रहे होंगे है ना। ऊपर भी आप देख सकते हो तीन दरवाजे हैं, और इधर छोटा सा गेट है। अभी हम अंदर से दिखाएंगे, इसकी छत दिखाएंगे आपको कैसी छत बनी हुई है। तो ये आप देख सकते हो प्लास्टर टूट टूट के गिरने लगा है, सरिया वगैरह दिखने लगी हैं, काफ़ी पुराना हो चुका है इस वजह से सरिया वगैरह दिखने लगी हैं, प्लास्टर टूट टूट कर गिरने लगा। ये है एंट्री गेट, आप देख सकते हो। इधर से अब हम चलेंगे बाहर की साइड। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों ने देखा मुकेश रावल जी का घर हमने दिखा दिया, जो कि उनके पूर्वजों का घर था, जो गांव है उनका मैंने आपको दिखाया। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप सुझाव हमें दे सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको बॉलीवुड से रिलेटेड बहुत सी वीडियोज़ आने वाली हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।